आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। नदियां उफान पर, लगातार हो रही बारिश से लोगों की दुश्वारियां बढ़ी। भूस्खलन और मलबे से प्रदेश में रविवार को 135 मार्ग बंद हुए। चमोली में भूकंप के झटके महसूस हुए। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में दुश्वारियां बढ़ने लगी है। नदी नाले उफान पर हैं। आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति है। रुद्रपुर, हल्द्वानी जैसे मैदानी क्षेत्रों में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। पर्वतीय इलाकों में हालात और भी ख़राब हैं। भूस्खलन से कई गांवों पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। पत्थर और बोल्डर गिरने से कुमाऊँ की 96 सड़कों समेत पूरे प्रदेश में 135 मार्ग बंद हो गए हैं। उधर चमोली में रविवार को रात 9 बजे 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। प्रदेश में अधिकतर जिलों में आज सोमवार तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत जिले में कहीं कहीं तेज गर्जन के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले करीब 3,000 श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने दिन भर हाईवे खुलने का इंतजार किया। अल्मोड़ा छोड़ कुमाऊँ के सभी जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद। तो मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले में 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी, अर्धसरकारी, निजी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में सोमवार को भी छुट्टी घोषित की गई है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तो विवादों में घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कुलगाम मुठभेड़ में 2 और आतंकी ढेर। राजौरी में सैन्य चौकी पर हमला। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 जगहों पर शनिवार से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों की संख्या 6 हो गई है। इसे सुरक्षा बलों की अहम कामयाबी माना जा रहा है। इन मुठभेड़ों में सेना के 2 जवान भी बलिदान हुए हैं। विनिर्माण क्षेत्र में 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दुगुनी करने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में निवेश का रोडमैप तैयार किया है। रामपुर रोड पर 2 कारें भिड़ी, पति की मौत, पत्नी समेत 2 घायल। रामपुर रोड पर देर रात करीब 10 बजे 2 कारों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दंपति समेत 3 लोग घायल हो गए। शिवसेना नेता के बेटे ने कार से महिला को घसीटा, मौत हो गई। जगन्नाथ यात्रा शुरू हुई। भक्तगढ़ में 1 भक्त की मौत, 15 घायल हो गए। हाथरस कांड, बाबा ने कहा चरण रज लेकर जाना, तभी मची भदगढ़। बांस को बनाया प्लास्टिक का विकल्प, खड़ी की 10 करोड़ की कंपनी। नदियां उफान पर, लगातार हो रही बारिश से लोगों की दुश्वारियां बढ़ी। उत्तराखंड में आज तेज बारिश की चेतावनी। तो बारिश के कारण बीते 3 दिनों से भूस्खलन समेत अन्य कारणों से हर दिन औसतन 100 से अधिक मार्ग बंद हो रहे हैं। प्रदेश में रविवार को 135 मार्ग बंद हुए। 109 मार्ग 6 तारीख से बंद थे। इस तरह 244 सड़कें बंद रही। यूपी के 13 मेडिकल कॉलेजों को मानता नहीं। तो करोड़ों की लागत से भवन बनकर तैयार फैकल्टी के 70% पद खाली हैं। मैदान से पहाड़ का सीधा संपर्क टूटा। उत्तराखंड के कई जिलों में रविवार को भी बारिश आफत बनकर बरसी। कुमाऊँ के दोनों प्रवेश द्वार, हल्द्वानी और टनकपुर से पर्वतीय जिलों और देहरादून का सीधा संपर्क टूटा। डाइवर्जन होने से अलग अलग रूटों पर यात्रियों को 10 से 280 किलोमीटर तक का अतिरिक्त सफर करना पड़ा। प्रदेश में देर शाम तक लगभग 98 सड़कें बाधित थी। उधर मौसम विभाग ने नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, दून, पौड़ी, चमोली जिलों में सोमवार को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बद्रीनाथ रूट पर 2,100 यात्री फंसे। उत्तराखंड में रविवार को बद्रीनाथ हाईवे बंद रहने के कारण बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा बाधित रही। इस कारण जोशीमठ और बद्रीनाथ में करीब 2100 यात्रियों को रोका गया। नीट से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी।
ऋषिकेश में रिजॉर्ट पर छापा रह पार्टी या करते 7 युवतियों समेत 37 लोग पकड़े। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में मोहन चट्टी के पास एक रिजॉर्ट में शनिवार देर रात छापा मारकर पुलिस ने रैप पार्टी कर रहे 7 युवतियों समेत 37 लोगों को पकड़ लिया। रिजॉर्ट में बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी। पुलिस ने मामले में रिजॉर्ट के 2 संचालकों समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में केस दर्ज किया है, जबकि 29 का पुलिस एक्ट में चालान किया गया। एक आरोपी फरार हो गया। पकड़ी गई युवतियों को पुलिस ने काउंसलिंग के लिए भेज दिया। हल्द्वानी में बुजुर्ग की मौत, पत्नी गंभीर। तो रामपुर रोड स्थित नेक्सा कार शोरूम के पास रविवार रात 10 बजे 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक कार सवार बुजुर्ग चालक की मौत हो गई, जबकि 7 बैठी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरी कार में सवार युवक भी घायल हो गए। घायलों को STH में भर्ती कराया गया है। जसपुर विधायक को मारपीट मामले में बेल मिली। 70 वर्षों में कम वर्षे में एक धरती ने भी संजोया थोड़ा पानी। बद्रीनाथ रूट पर 2100 यात्री फंसे। रामगंगा, काली और गौरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बही। आयुष्मान दोगुने हो सकते हैं लाभार्थी। तो केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की संख्या अगले 3 वर्ष में दोगुना करने पर विचार कर रही है। गढ़वाल में वर्षा से रात आज से सुचारू होगी चारधाम यात्रा। तो मौसम विभाग की भारी चेतावनी को देखते हुए रविवार को स्थगित रही ये चारधाम यात्रा। रेल, बांध, आपदा व बिजली या परियोजनाओं के लिए मोदी सरकार से राज्य को आस। तो इस महीने आएगा केंद्र सरकार का बजट। CM व वित्त मंत्री कर चुके हैं अनुरोध। मेजर रविंद्र को सम्मान मिलने पर खुशी की लहर। उच्च शिक्षा विभाग को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन पुरस्कार। तबादलों के लिए तिथि बढ़ाई, फिर भी तय समय पर नहीं होंगे। तो 10 जुलाई को अंतिम तिथि। विभाग में प्रवक्ताओं की 18 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग। तो प्रदेश में शिक्षकों कर्मचारियों के तबादला एक्ट के तहत 10 जून तक तबादले होने थे, लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव की वजह से शासन ने तबादलों के लिए सभी विभागों को 10 जुलाई तक का समय दिया। शिक्षा विभाग में इस तिथि तक भी तबादले नहीं हो पाए। विभाग में प्रवक्ताओं की 18 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो रही है। संयुक्त निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती के अनुसार विभाग ने शासन से तबादले के लिए 30 जुलाई तक का समय लिया है। हालांकि विभाग को अभी इसकी लिखित अनुमति नहीं मिली है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी बुजुर्ग डॉक्टरों में सेवा देने का उत्साह है। पुरानी पेंशन के लिए चलेगा जागरूकता अभियान। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की बैठक में कर्मचारियों ने निर्णय लिया। अधिनियम के तहत स्थानांतरण न होने पर भड़के शिक्षक। तो उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिला शाखा ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर आयोजित काउंसलिंग में अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन किया। कितना भी पैसा दो नहीं सुधारेंगे स्कूल। तो कितना भी पैसा दो पर सरकारी विद्यालयों की स्थिति नहीं सुधारेंगे। शिक्षा विभाग का हाल कुछ ऐसा ही है। विद्यालयों की मरम्मत और छात्र छात्राओं की ड्रेस के लिए दी गई धनराशि से 13,668 स्कूल ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। प्रवक्ताओं की तैनाती के लिए सांकेतिक प्रदर्शन। तो अटल उत्कृष्ट GIC देवाल में अंग्रेजी व अर्थशास्त्र के प्रवक्ताओं के पदों को भरने की मांग को लेकर अभिभावकों ने बाजार में सांकेतिक प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के 35,000 पेंशनर्स को बड़ी राहत। पेंशनर को फिर मिलेगा गोल्डन कार्ड योजना से जुड़ने का मौका। कई जिलों में बदल सकते हैं CMO। अफसरों की लापरवाही से न ड्रेस मिली न मरम्मत हुई। विद्या समीक्षा केंद्र भी लापरवाही से पिछड़ा। संविदा कर्मचारियों को नियमित करे सरकार। तो पर्यटन निगमों में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की मांग तेज हो गई है। GMVN KMVN संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने इस मांग को पूरा करने को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। नए पावर स्टेशन बनेंगे, बिजली लाइनें बिछेंगी। उत्तराखंड को उच्च शिक्षा में नवाचार के लिए पुरस्कार मिला। वाहन चालक परीक्षा में 66% उपस्थित। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को सचिवालय सेवा
में वाहन चालक के 34 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। आयोग के सचिव एस एस रावत ने बताया कि उक्त परीक्षा रविवार को देहरादून और हल्द्वानी के चुनिंदा केंद्रों पर 11 से 12 के बीच आयोजित की गई। परीक्षा में कुल 5,697 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से कुल 3,757 परीक्षार्थी अंतिम परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह कुल उपस्थिति 66% तक रही। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों की जांच की गई, साथ ही नकल रोकने के लिए जेमर की व्यवस्था की गई। कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन तेज करेंगे। प्रवक्ताओं की तबादला काउंसलिंग 18 से होगी। तो सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता कैडर शिक्षकों के तबादले की काउंसलिंग 18 जुलाई से शुरू होगी। तबादला अवधि में रियायत की मंजूरी के बाद संयुक्त निदेशक माध्यमिक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। सुरंग हादसे की जिम्मेदारी कंपनी से नहीं हुई भरपाई। सिलक्यारा पर कांग्रेस का बही खाता हास्यपद। केदारनाथ विधायक शैला रानी की हालत नाजुक है। प्रदेश की बंद सड़कों को जल्द खोला जाए। मानसून के वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए चिंता बढ़ी। होटल के कमरे में मृत मिला लिपिक। तो श्रीनगर से खबर आई है। नगर क्षेत्र में ऋषिकेश बस अड्डे के समीप एक होटल के कमरे में एक लिपिक अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश सरकार हर आपदा से निपटने को तैयार। राजा जी के राजा को हिमाचल प्रदेश भाया, नई हुई घर वापसी। राजभवन में 9 जुलाई को होगी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। पीने के पानी को अब भी तरस रहे हजारों छात्र। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का विकास करेगी सरकार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तपोवन और उर्गम में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। ब्रश करने का गलत तरीका दांतों को पहुंचा सकता है नुकसान। बार के विरोध में एनएच जाम की धमकी दी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। 7 अगस्त को गांधी पार्क में गरजेंगे राज्य आंदोलनकारी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 73 डिप्टी जेलर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में 17,727 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 56 जूनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 2700 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। HSSC में 21,076 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अनुबंध के आधार पर केमिकल प्रोसेसक वर्कर के 87 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 20 प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 249 मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 70 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आसुलिपिक ग्रेड फर्स्ट के 23 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पौड़ी की पहचान बनेगा पहाड़ी अंजीर। तो आज होगी लॉन्च। महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका होगी सुदृढ़। ग्वालदम में हाथों हाथ बिके जैविक उत्पाद। स्कूल भवन जर्जर टपक रही बरामदे की छत, खतरे के बीच हो रही पढ़ाई। तो श्रीनगर से खबर है। जर्जर बना है प्राथमिक विद्यालय पेंडुला का भवन। प्रवक्ताओं की तैनाती के लिए सांकेतिक प्रदर्शन किए। तो प्रवक्ता नहीं होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वही देवाल से खबर आई है। ब्लॉक को नहीं मिला एक भी प्रवक्ता। तो अटल प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में 243 प्रवक्ताओं की तैनाती की सूची जारी हुई, मगर देवाल ब्लॉक के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज देवाल व मुंडोली को एक भी प्रवक्ता नहीं मिल पाया। चेतावनी रेखा से 85 सेंटीमीटर नीचे बह रही गंगा। कागजों में बने ड्रेनेज प्लान धरातल पर नहीं इंतजाम। तो 15 साल में राजधानी में चल रही है ड्रेनेज प्लान की कवायद। नदी भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों के स्कूल रहेंगे बंद। तो स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने उन विद्यालयों में छुट्टी रख ऑनलाइन पढ़ाई कराने के आदेश दिए हैं, जो नदी नालों के आसपास बने हैं। 1 घंटे की बारिश से सड़कों पर जलभराव, दुकानों में घुसा पानी। तो रिस्पन्ना पुल, सहारनपुर चौक और राजापुर अंडरपास सहित कई जगह हुआ जलभराव। बिलों से निकल रहे सांप, सर्पदंश के मामले बढ़े। मलबा आने से 2 घंटे बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग 707। तो मसूरी से खबर आई है। जौनसार की 18 सड़कें बंद हो गई हैं।
पहले जाम फिर जल भराव से जूझा दून। देवी आपदा से बचाव को स्कूल बरते एहतियात। खराब मौसम के चलते हवाई सेवाएं प्रभावित हुई। सड़कों पर गड्ढे फुटपाथ भी चलने लायक नहीं रहे। बारिश से बंद सड़कें जल्द खोली जाएं। पेड़ों की छाँव के लिए लगाए 11,000 पौधे। तो देहरादून से खबर है, हरेला में इस बार 500 पौधे को वृक्ष बनाने का लक्ष्य है। महंगी जिग जैक प्रणाली के प्रणाली से कतरा रहे ईंट भट्टा संचालक। हुआ खबर है, किच्छा से किच्छा में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ यात्रा। जसपुर से खबर है, मुहर्रम 17 जुलाई को होगा। मुहर्रम की 9वीं और 10वीं को लोग रोजा रखकर इबादत करेंगे। खटीमा में एक और गौशाला पर विचार कर रहा प्रशासन। गुड़िया में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिमा हटाई। पीएम ने सीआरपीएफ परीक्षा में ऑल इंडिया 74 रैंक पाई। तो खटीमा से खबर रही है, खराब बॉडी या पोस्चर से शारीरिक विकास पर पड़ रहा असर। लोक पर्व सगुन आखर गाकर महिलाओं ने बोया दशमी का हरेला। कालाडूंगी जंगल में भटके हल्द्वानी के 4 युवक रेस्क्यू किए गए। चालक पद की परीक्षा 749 अभ्यर्थी रहे गैर हाजिर। तो उत्तराखंड ऐसे चयन आयोग की ओर से रविवार को शहर में 5 परीक्षा केंद्रों पर वाहन चालक पद के लिए लिखित परीक्षा हुई। जिले में शिक्षक संघ के चुनाव अगस्त में कराने की तैयारी है। युवती से फोन पर बात करने को लेकर मारपीट। हल्द्वानी से खबर रही है, ऊंचा पुल निवासी महेश सिंह डीनिया ने 3 युवकों पर बंधक बनाकर मारपीट करने और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। आरोप है कि युवकों ने किसी युवती से फोन पर बात करने की वजह से मारपीट की। घटना 12 मई की है। पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बन्नी मंजू। बारिश में आई उदयमान खिलाड़ी चुनने की याद। तो मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के लिए होना है खिलाड़ियों का चयन। तो उत्तराखंड में मानसून आने के बाद खेल विभाग को मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना की ट्रायल कराने की याद आई है। बारिश के रेड अलर्ट के बीच खेल विभाग ने जुलाई में हर जिले में ट्रायल कराने की तिथि घोषित की है। हरी बोल के जय घोष संग निकली जगन्नाथ यात्रा। पूर्व सैनिकों ने मनाया बैटल ऑनर डे। मसूरी में भजन कीर्तन संघ निकली रथ। रेल लाइन पर पेड़ गिरने से संचालन ठप। तो टनकपुर से खबर है, बनबसा और टनकपुर के बीच पाखड़ का पेड़ रेलवे पटरी पर गिरा। बनबसा तक ही पहुंच पाई ट्रेन। भारत नेपाल के बीच दूसरे दिन भी बंद रहे चौपहिया वाहन। वहीं खबर है, लोहाघाट से दीवार टूटने से खतरे में आए मकान। पूर्णागिरी में लगे गांवों में शारदा नदी से भूकटाव हुआ। पूर्णागिरी मंदिर द्वार तीसरे दिन भी बंद रहा। पिथौरागढ़ और कनाल छीना में हुई सबसे अधिक वर्षा। चंपावत में 179 mm बारिश से जनजीवन ठप रहा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 15 जुलाई से होंगे प्रवेश प्रक्रिया। कर्मशाला अधीक्षक के रिक्त पदों पर आवेदन मांगे। विदेशी गिफ्ट के कस्टम क्लीयरेंस के नाम पर शिक्षिका से लाखों रुपए ठगे। तो रुड़की से खबर रही है, आश्रम के नाम पर ठगी में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। वहीं खबर है, हरिद्वार से युवक के खाते से 1.25 लाख रुपए निकाले। सब्जी कारोबारी को गोली मारने का एक आरोपी धरा गया। तो लक्सर से खबर रही है, बैल बुग्गी की टक्कर से ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। तो लक्सर से खबर रही है, बदमाशों ने गार्ड से मारपीट की। मौसम सिल्ट बढ़ने पर गंग नहर को बंद किया। ट्रेनों के रद्द होने से परेशानी झेलेंगे यात्री। किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर 34 लाख रुपए का जुर्माना। तो देहरादून से खबर रही है, देहरादून का किशोर हरिद्वार से लापता हुआ। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो 14 वर्षीय किशोरी को भगाकर ले गए आरोपी को राजपुर थाना पुलिस ने यूपी के बाराबंकी से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता को प्रेम का झांसा देकर दुष्कर्म किया। कार खाई में गिरी एक व्यक्ति घायल। तो मसूरी से खबर रही है, कमाई के झांसे में गवाए 6.50 लाख रुपये। कर्मचारी हितों की अनदेखी को लेकर के उठाए सवाल। डॉक्टर से मारपीट 2 दिन बाद भी केस नहीं। तो देहरादून से खबर रही है, बड़ों वाला ने जीता HCA मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट। प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं पर आयकर की नज़र। बारिश से जोनसार की 26 सड़कों पर थमे पहिए। शिक्षकों के तबादला सूची पर इस बार फिर उठने लगे सवाल।
चंपावत के दुबचौड़ा में खुलेगा सहकारी बैंक। पशुओं में फैलने वाली बीमारी के लिए सावधानी जरूरी। चंपावत में 3 साल में आपदा में 21 ने जान गंवाई। झूलाघाट में छेड़खानी के आरोप में प्रधान पर केस दर्ज किया गया। किसी श्रमिक को गिरफ्तार किया तो भरेंगे जेल। तो रुद्रपुर से खबर है, मजदूरों के उत्पीड़न और श्रमिक संगठनों के दमन से नाराज श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने रामलीला मैदान में की मजदूर महापंचायत। वही खबर है, खटीमा से गौशाला में 10 बीमार पशुओं की हुई मौत। किच्छा से खबर है, कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। वहीं खबर, रुद्रपुर से पिल्ले को डंडे मारकर किया घायल, महिला पर मुकदमा दर्ज किया। सड़क हादसे में महिला समेत 2 की मौत हो गई। तो गदरपुर में शनिवार की रात को ट्रैक्टर ट्रॉली में लटकी रस्सी में उलझकर स्कूटी गिरने से महिला की मौत हो गई। वहीं खबर, पंतनगर सड़क हादसे में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। काशीपुर से खबर, यह ऑटोमेटिक ट्रैक पर होगा ड्राइविंग टेस्ट। रेलवे लाइन में पेड़ गिरने से संचालन ठप रहा। काशीपुर से खबर, लापता युवक का शव मिला, हत्या की आशंका। तो 2 दिन से लापता एक युवक का शव रामनगर रोड स्थित एक भूखंड की बाउंड्री में पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। पुलिस एक युवक से पूछताछ कर रही है। ब्लैकमेल करने में महिला पर केस दर्ज। तो काशीपुर से खबर रही है, बेस अस्पताल और कई घरों पर मंडराया खतरा। तो अल्मोड़ा में 5 दिनों से हो रही बारिश से बेहाल हुए लोग। संवेदनशील इंदिरा बस्ती के लोगों को घर छोड़ने का नोटिस दिया। अल्मोड़ा में 9 सड़कों पर यातायात बाधित रहा। बागेश्वर में 16 सड़कों पर यातायात बाधित रहा। बारिश से हर तहसील में हो रहा नुकसान। गर्भवती को नहीं मिली एम्बुलेंस, दरोगा बने मददगार। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के ड्रेनेज का हिस्सा गोला में समाया। जल भराव के खिलाफ बारिश में बरसे। रामनगर में 8 परिवार सुरक्षित स्थान पर भेजे गए। रिटायर अफसर का परिवार शिफ्ट किया गया। गांव की सड़कें बंद, बिजली गायब, घरों में कैद हुए लोग। चंपावत में ऑल वेदर रोड घाट के पास मलबा आने से बंद हो गया। मौसम सड़क के साथ हवाई यात्रा पर भी ब्रेक लगा। मुंशियारी में 6 दिन से ठप है हेली सेवा। धारचूला में काली नदी खतरे के निशान पर बही। झूलाघाट गंगोली हाट में बारिश से 2 घर गिरे। घाट में 20 यात्री रात भर सड़क किनारे बैठे रहे। यांगती नदी में बैली ब्रिज को बाढ़ से बचाने के लिए 10 मीटर बढ़ाई लंबाई। उत्तराखंड में नदियां उफान पर, सड़कों पर मलबा। कालाडूंगी में हाईवे धसा, हवा में लटकी पुलिया। बद्रीनाथ हाईवे बंद रहने से यात्री परेशान रहे। कोहरे के कारण खाई में गिरी कार, 2 महिलाओं की मौत। कर्णप्रयाग से खबर आई है, शनिवार रात को कर्णप्रयाग रानीखेत हाईवे पर आदि बद्री के पास घने कोहरे के कारण एक कार गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग ले जाया गया। पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ तक बिजली गुल रही। कांवड़ 21 जगह बनेंगे अस्थायी अस्पताल। कांवर रोड़ी बेलवाला में अतिक्रमण हटाया। बारिश के चलते 8% आवक कम, महंगी हुई सब्जियां। स्थानांतरण काउंसलिंग में शिक्षकों का हंगामा। तो रुद्रप्रयाग के विकास भवन में काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों का पक्ष नहीं लिए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद हुई। केदारनाथ विधायक सैला रानी की हालत नाजुक हुई। गढ़वाल में नदी गदेरे उफान पर, सड़कों पर मलवा। आदि बद्री के पास कार खाई में गिरी, 2 महिलाओं की मौत हो गई। कालाडूंगी में हाईवे धसा, हवा में लटकी पुलिया। पौड़ी में 5 स्टेट हाईवे सहित 34 सड़कें बंद हो गई। थराली में पिंडर का पानी घरों में घुसा। बद्रीनाथ हाईवे पूरे दिन बंद रहने से यात्री परेशान रहे। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे 30 घंटे बाद खुला। कालाडूंगी में हाईवे 4 मीटर धसा, यातायात ठप रहा। जिले में भवाली अल्मोड़ा NH समेत 21 सड़कें बंद हो गई। गोला नदी खतरे के निशान के पार पहुंची। हल्द्वानी के 87 घरों में घुसा बारिश का पानी। खतियाड़ी में बियर बार खोलने के विरोध में महिलाओं ने खोला मोर्चा। तो अल्मोड़ा से खबर है, अल्मोड़ा में छाता नहीं दिया तो गले पर चाकू रख नकदी लूटी। लंबित मांगों के लिए राज्य आंदोलनकारी मुखर हुए। 52% अभ्यर्थियों ने दी यूपीएससी की परीक्षा। तो संघ लोक सेवा आयोग की EPFO और ESI की परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। पंजीकृत में से 52% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे।
नदियां उफान पर बाजपुर में कच्चा घर गिरा तो कैलाश नदी का जलस्तर बढ़ने से कई एकड़ फसल जलमग्न हो गए। रुद्रपुर में कल्याणी बेगुल नदी का जलस्तर बढ़ा। गोला का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा बढ़ा। कुमाऊं में मैदान से पहाड़ों तक सीधा संपर्क टूटा, रूट डाइवर्ट किए गए। काशीपुर की कॉलोनी में घुसा पानी। हरिद्वार में बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढे, आमजन परेशान हुए। उपनगरी ज्वालापुर में पानी की सप्लाई ठप होने पर भड़के लोग। हरिद्वार हाईवे पर आग का गोला बनी कार जाम लगा तो हरिद्वार नजीबाबाद राजमार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में आग लग गई। वहीं खबर हरिद्वार से, गंगा स्नान में आया किशोर लापता हो गया। मंत्री के आश्रम की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले दो पकड़े तो फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से की गई लाखों की ठगी। तो हरिद्वार से खबर आई है। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के प्रेमनगर आश्रम की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले साइबर ठगों को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया। सोलर फेंसिंग में गड़बड़ी पर पूर्व रेंजर से स्पष्टीकरण मांगा। ज्वालापुर पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर, दो की मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर रही है। स्कूल में पैंट और फुल शर्ट पहनकर आए छात्र। अस्पताल में ऑटोमेट्रिस चला रहा चश्मे की दुकान। शोरूम में लाखों की चोरी करने वाला साथी गिरफ्तार हुआ। पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर चोरी, 16 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ। बच्चों की फीस ने छलांग लगाई तो हार गए माता पिता। तो राजधानी देहरादून के निजी विद्यालयों में शुल्क वृद्धि से परेशान अभिभावक बयां कर रहे अपनी पीड़ा। तो नए शिक्षा सत्र में अब तक अभिभावकों की परेशानी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। निजी विद्यालयों में हुई शुल्क वृद्धि ने उनका बजट बिगाड़ दिया है। अभिभावक परेशान है, वह अपनी पीड़ा को शिक्षा विभाग की ओर से बनाए गए शिकायत प्रकोष्ठ में बयां कर रहे हैं। उत्तराखंड के 1400 स्कूल पुस्तकालय के लिए नहीं तैयार। भारी वर्षा में स्कूल के बजाय ऑनलाइन होगी पढ़ाई। आईटीआई प्रवेश की आवेदन तिथि 21 जुलाई तक बढ़ी। आस्था पथ पर मानसून ले रहा परीक्षा। बलदोड़ा में बद्रीनाथ हाईवे 20 मीटर क्षतिग्रस्त हो गया। मोबाइल क्राइम किट युक्त बाइक का होगा इस्तेमाल। वाहन खाई में गिरा, एक की मौत, दो घायल हो गए। अल्मोड़ा में हाईवे समेत 15 सड़कें बंद हो गई। अल्मोड़ा में 3 परिवारों को सुरक्षित जगह भेजा गया। भूस्खलन से मंडल कोर्ट में जीआईसी भवन को खतरा। विष्णुप्रयाग में चट्टान टूटी, दिन भर बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। गंगोत्री में 1825 और यमुनोत्री में 1140 यात्री पहुँचे। जरूरी हो तभी तीर्थ यात्रा पर आएँ, अनावश्यक जोखिम न लें श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम, माणा गांव, गोविंद घाट व पांडुकेश्वर में बिजली आपूर्ति ठप रही। सब्जी तोड़कर लौट रहे लोग हुड्डी नदी उफनाने से जंगल में फंसे। ट्रैकिंग के लिए एसओपी का ड्राफ्ट तैयार, एजेंसियों के वार्षिक ऑडिट का भी प्रावधान है। रुड़की में स्कूली बच्चों की लड़ाई के बाद हुई फायरिंग, पुलिस ने 7 आरोपी पकड़े। तो झबरेड़ा से खबर रही है, महकमा गैंग के थे आरोपी। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। 34 पदों के लिए 3737 ने दी लिखित परीक्षा। करार ग्राफिक एरा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा ICAI। अज्ञात लोगों के गोपनीय विभाग में जाने पर छात्रों ने किया हंगामा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्रों ने विभाग में लगे लोगों को बाहर आने से रोका। फर्जी मिल रहे उत्तर प्रदेश के मरीजों के आयुष्मान कार्ड। विकास के नाम पर नहीं होने देंगे पेड़ों का विनाश। युवक और विवाहिता ने जंगल में खाया जहर, मौत। तो डोई वाला से खबर आई है, जबरवाला गांव के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक और विवाहिता महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। विषाक्त पदार्थ खाने के बाद युवक ने मैसेज कर अपने परिजनों को सूचना दी। युवक के परिजन दोनों को उपचार के लिए अस्पताल लाए लेकिन उपचार के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई। अल्मोड़ा 645 में से 336 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। जनपद में 63 mm बारिश। खटीमा में नदी नाले उफनाने से बाढ़ जैसे हालत बने। दोस्त के साथ गए युवक का शव खंडर में मिला। तो काशीपुर से खबर है, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर मां की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। लालपुर की आइडिया कॉलोनी में कुत्तों ने 12 लोगों को काटा।
वहीं खबर है खटीमा से सड़क हादसे में बाइक सवार की जान गई, दूसरा घायल हो गया। हाई कोर्ट के आदेश पर ग्रामीणों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को हटाया। महंगाई से टमाटर लाल, प्याज ने भी लोगों के आंसू निकाले। तो टमाटर के वर्तमान दाम अकासीपुर में 40 रुपये तक पहुंचे। मजदूरों ने भरी हुंकार, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किया बुलंद। अब अक्टूबर तक दिल्ली रूट होगा डीजल बसों से मुक्त। विधायक आदेश चौहान व साथियों को मिली जमानत। जिले में 7 करोड़ की लागत से 69 विद्यालयों का होगा जीर्णोद्धार।